ॐ श्री साईनाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग राज, उठो बेटा, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे उठो, स्कूल जाना है। ये उठा नहीं अब तक? ए राज उठ, तेरी दादी आ गई। बाप की रात नहीं होती और बेटे की सुबह नहीं होती। चल दूध पी ले। और तू मुझे बता, इतने महीनों से आधी अधूरी नींद सो रहा है, कितनी रातें और जागेगा तू? माँ पिछली रात जागने की आखिरी रात थी। जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था वो पूरा हो गया है। चलो दिखाता हूँ, आजा बेटा। पापा आपने बहुत अच्छी कार बनाई है। तुझे कैसी लगी माँ? बहुत अच्छी है बेटी, लेकिन इसके लिए तूने मेहनत भी तो बहुत की है। कुछ कंपनी ने ऑफर दी है पेटेंट के लिए, एप्लीकेशन देकर उनसे मीटिंग करनी है। सर, मिस्टर देविन चौधरी। मैं राकेश कपूर हूं। हाय। और ये मेरे पार्टनर्स हैं। आई एम एंथनी डिकोस्टा। हाय। कैलाश चोपड़ा। हाय। महेश सक्सेना। हेलो। आओ। ये 8 सिलेंडर वी इंजन है, 400 BHP, 500 NM टॉग,
0 to 100 kilometers in 5.3 seconds. A combination of high-tech features: active suspension system, active body control, electro-hydraulic brake system. और ये सारी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर डायग्नोसिस सिस्टम से कंट्रोल होती है. एंड 10 एयरबैग्स अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो. लार्जर एयर इनटेक, कोबल फॉग लाइट्स, एरोडायनामिकली डिजाइंड एक्सटर्नल मिरर्स, टेम्परेचर सेंसिटिव लुब्रिकेंट ऑयल सप्लाई एंड फुली ऑटोमेटिक वेरिएबल टाइमिंग ऑफ इनटेक एंड एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट्स. मैंने इस कार को बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान ड्राइवर के लिए हाई सीटिंग और एक्सीलेंट रोड होल्डिंग पर दिया है. क्या खूबसूरत डिजाइन बनाई है आपने. थैंक यू जेंटलमैन. हमें आपका प्रोजेक्ट बहुत पसंद है. कहिए किस तरह की डील करना चाहेंगे आप. मुझे 20% रॉयल्टी चाहिए और कार पर लोगो मेरे नाम का होगा. डीसी मिस्टर चौधरी, हम आपके डिजाइन से बहुत इंप्रेस हैं, लेकिन ये जो आपके टर्म्स है ये हमारी समझ के बाहर है. सर, मेरे टर्म्स मेरे प्रोजेक्ट की खूबियों की वजह से. मेरी कार एक फ्यूचरिस्टिक कार है और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज तक ऐसी कोई कार नहीं बनी जिसमें इतने सारे फीचर्स हों और ऐसी फ्यूल एफिशिएंसी हो. हम मानते हैं कि आपने एक बेहतरीन मॉडल बनाया है, लेकिन हमें अपने कंपनी के नाम की वैल्यू मार्केट में बनानी है, इसलिए हम आपका नाम नहीं दे सकते. आपको इस प्रोजेक्ट की जो कीमत चाहिए हम दे सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी या पार्टनरशिप नहीं दे सकते. सॉरी जेंटलमैन, मुझे आपकी डील मंजूर नहीं है. माय डेस्क प्लीज. मोना. यस सर. इनकी डिस्क इन्हें वापस कर दो. जी. गुड मिस्टर चौधरी, आपने बहुत ही एडवांस मशीन बनाई है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शायद आने वाले 10 साल तक ऐसी मशीन नहीं बन सकती. थैंक यू. हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं. हम आपको रॉयल्टी भी देंगे और कार को आपका नाम भी. कल हमारा टेक्निकल टीम के साथ डिस्कशन है, उसके बाद अगले हफ्ते हम एग्रीमेंट साइन कर लेंगे. थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट. थैंक्स थैंक्स. बाय. माँ. माँ. अरे तू आ गया. मेरे प्रोजेक्ट की डील फाइनल हो गई है. अगले हफ्ते मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ. मुझे मालूम था, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटी. बैठ. पापा. ना. पापा पापा, मैंने भी एक कार बनाई है. अच्छा, वाओ, आप तो मुझसे भी बड़े इंजीनियर बनेंगे. मैं आपसे बड़ा नहीं हो सकता. क्यों? मैं रात को आपकी तरह जाग नहीं सकता ना. कथा. पापा, आप इसे रोज क्यों धोते हो? बेटा, मैं आपको भी तो रोज नहलाता हूँ. मगर क्यों? जिस चीज से हम प्यार करते हैं उसे हमेशा प्यारा बना के रखना चाहिए ना. आप इसे बहुत प्यार करते हो. क्यों पापा? बेटे, ये मेरे पापा की निशानी है. उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी. जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको गिफ्ट दे दूंगा. पापा, आपने टार्जन क्यों लगाया है? बेटा, ये मैंने बचपन में लगाया था. इस गाड़ी को मैं टार्जन मानता था और इसका नाम भी टार्जन रख दिया था. टार्जन तो आदमी था. था तो आदमी, लेकिन इस मशीन जैसी ताकत थी उसमें. लेकिन पापा, टार्जन तो खाना भी खाता था. ये कार क्या खाती है? खाती है ना, पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस. तो फिर ये कपड़े क्यों नहीं पहनती? बेटा, कपड़े तो टार्जन भी नहीं पहनता था. सेंसर ऑब्जेक्शन ना ले, इसलिए फिल्मों और कार्टून फिल्मों के टार्जन को पत्तों की चड्डी पहना देते थे. लेकिन अब ये मत पूछना कि सेंसर क्या होता है. तुम्हारा फोन है बेटे. आया माँ. हेलो. हर्ष मोटर्स से मुकुंद जोशी बोल रहा हूँ. हाँ जोशी साहब. मिस्टर चौधरी, हमारी कंपनी आपके साथ डील नहीं करना चाहती. क्यों? जिस डिजाइन को अपना बनाकर आप कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, उसी डिजाइन को फोर फॉक्स मोटर्स ने 3 महीने पहले पेटेंट करवाया है. लेकिन डिजाइन तो मैंने 4 दिन पहले कंप्लीट करके पेटेंट किया है, फिर फोर फॉक्स 3 महीने पहले कैसे पेटेंट करा सकती है? ये हमें नहीं मालूम, आप उन्हीं से पूछिए. हेलो. भाई, मेरे दिमाग में एक आइडिया है. क्या? हम ये कार खुद नहीं बनाएंगे. हाँ. बल्कि इस कार की डिजाइन को किसी जर्मन या जापानीज कंपनी को देकर जिंदगी भर बैठ के रॉयल्टी खाएंगे. या हम रॉयल्टी दे नहीं सकते, कम से कम
ले तो सकते हैं ना। जरूर। फॉक्स, चोरी की चीज को वैसे भी गले में टांग के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसकी चीज है वो कला पकड़ लेगा। पेटेंट रजिस्ट्रार को पैसे खिला के तुम लोगों ने मेरा डिजाइन अपने नाम पेटेंट करा लिया। वो तो हमने करवा लिया, और अब तुम हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकते। मेरे पास पेटेंट एप्लीकेशन की रसीद है। मैं पेटेंट रजिस्ट्रार और तुम चारों लोमड़ियों को घसीटते हुए कोर्ट लेकर जाऊंगा। मेरे पास अब भी इतने सबूत है कि मैं तुम लोगों को हथकड़ियां लगवा सकता हूं। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। इंफॉर्मेशन मिले वो लोग ऑफिस में नहीं, अपने फार्म हाउस गए। आप अपने सबूत साथ लाए? जी, मेरे डिजाइन्स की सीडी और पेटेंट एप्लीकेशन की रसीद मेरे पास है। गुड मिस्टर चौधरी, हम अभी इसी वक्त उनके फार्म हाउस जाएंगे। चलिए चलिए। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जो एग्रीमेंट हम लोग फॉक्स, इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है। आप लोगों ने इनके कार की डिजाइन चोरी की है, जिसका इनके पास इस वक्त सबूत भी मौजूद है। ये हमारे पास अपने कार का डिजाइन लेकर आए थे बेचने के लिए, लेकिन हमारी डील नहीं हुई इसलिए हमने इनकी सीडी कॉपी कर ली। और हमें ये भी मालूम था कि अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो हमें सालों केस लड़ना पड़ेगा और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है मिस्टर चौधरी, आप सारे सबूत इन्हें दे दो, इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ए, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंस्पेक्टर हमारा ही पाला हुआ है। ये तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम इसी के पास गए। और हमें मालूम है कि तुम वो सारे सबूत हमें नहीं दोगे, इसलिए अब यही तुम्हें खत्म करेगा और यही तुम्हारी फाइल भी बंद करेगा। हर कुत्ते का दिन आता है ये तो सुना था, लेकिन लोमड़ियों के लिए कोई कहावत नहीं सुनी थी। तुम लोगों ने मुझे यहां बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, जितनी अच्छी तरह से डिजाइन बनाता हूं उतनी ही बुरी तरह से बिगाड़ भी सकता हूं। पुलिस और प्रेस लेकर आऊंगा और इन चारों की चमड़ी के साथ तेरी वर्दी भी उतरवाऊंगा। क्या समझता है बिजनेस में साधु संत होते हैं? आप इसे यहाँ जान से मत मारिए, हम इसे इसकी कार में डालकर पीछे तालाब में डाल देते हैं, कभी पता नहीं चलेगा ये एक्सीडेंट था या मर्डर। ये इंस्पेक्टर ठीक कहता है। ठीक है, Yeah.
अगले जन्म में नाम और रॉयल्टी दोनों देंगे। जाकर यमराज के लिए उड़न खटोला डिजाइन कर जा। चश्मा चढ़ाकर भी तुझे साफ दिखाई नहीं देता क्या? वो जगह तेरी साइकिल की नहीं, हमारे बाइक खड़ी करने की है। तो फिर कहाँ पार्क करूँ? अबे हम क्या पार्किंग इंस्ट्रक्टर हैं? चल कहीं भी लगा दे। ए बैटरी इधर आ जा। देख बैटरी, तू पास होके हमारी क्लास में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम लोग इस बार भी फेल हो गए। बहुत खुश हो रहा है क्या बे? नहीं नहीं, आई एम सॉरी। बड़े खुशी से तू क्या एक्सप्रेस कर रहा है? हाँ इधर आ, इधर आ। अच्छा ये बता, दो और दो कितने होते हैं? जी अबे क्या जीजी लगा रखी है, बोला दो और दो कितने होते हैं? दो और दो चार। बेवकूफ, दो और दो 22 होते हैं। क्या बोला, कितने होते हैं? 22। वेरी गुड, अब आए ना ये हमारी कैटेगरी में। ओके क्या हो रहा है यहाँ? अरे बाप रे, डबल बैटरी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। इस बेचारे को सब बैटरी बैटरी बुलाते हैं, हम तो सिर्फ इसका असली नाम पूछ रहे थे, है ना? मैं नहीं सर, और कोई नहीं, ये लोग ही मुझे बैटरी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं चश्मा पहनता हूँ ना। तो इसका मतलब तुम लोग मुझे भी बैटरी बुलाते होगे? नहीं नहीं सर, ये लोग तो आपको डबल बैटरी बुलाते हैं। क्या? नो नो सर, मैं तुम लोग को रिस्ट्रिक्ट करा दूंगा, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? तुम लोग सारी जिंदगी यहाँ बैठोगे, इसकी भी जिंदगी बर्बाद करोगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ बैटरी तुम यहाँ से। आई मीन राज, तुम जाओ। मुझे डबल बैटरी कहते हो? अरे राज तू लेट क्यों हो गया? अरे यार वो चारों सिर दर्द मिल गए थे। लगता है वो चारों तुझे ना बाबूराव समझते हैं। बाबूराव? ये क्या होता है? नहीं समझा। अरे यार अब तक मैं बैटरी से पीछा नहीं छुड़ा पाया और तू मुझे और एक सरनेम दे रहा है। मेरी बुक्स लाया? लाया हूँ बाबा, ये ले। लगता अपनी तरफ आ रही। वो आज क्लास में यार तो बहुत दूर था। Excuse me? Yes? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? न्यू एडमिशन। यस। पहले कौन से कॉलेज में थी? लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वाओ। वैसे मैंने प्रिंसिपल का ऑफिस पूछा था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा जाके अंदर जाइए, स्टेयर जाएंगे ऊपर जाके लेफ्ट, थोड़ी सी दूर प्रिंसिपल का ऑफिस है। थैंक्स। You're welcome. Beautiful. जाइए जाइए,
लेडीज फर्स्ट, तुम चलो फिर हम भी आते हैं. व्हाट नॉनसेंस. बड़ा गई. एक्सक्यूज मी. देखिए ये सब अछड़ के नहीं है. मैं आपको प्रिंसिपल का ऑफिस बताता हूँ. मैं इन जैसा नहीं हूँ. आइए कम कम जरा हटिए. दिस वे. यही हमारे प्रिंसिपल साहब. एक्सक्यूज मी सर. अरे राज क्या कर रहा है? ये डिजाइन देख. ये गाड़ी ऐसी बन जाएगी. ये गाड़ी ऐसी बन जाएगी? क्या बात है यार, क्या डिजाइन बनाई है तूने, कमाल है. थैंक्स. अरे हाँ पाजी बुला रहे हैं, जाके पगार ले ले. ये तुम्हारी पगार है जी. और ये तुम्हारा ओवर टाइम जी. साइन करो इधर. पापा मैं उठाऊं? नहीं मंगलू फोन उठाओ जी. हेलो करतार मोटर गैरेज. राज जी ये तेरी पगार, 3 दिन के पैसे काट लिए हैं. क्यों? पिछले महीने 3 दिन तू काम पर नहीं आया था, याद है ना? हाँ पर वो तो दादी को लेकर बाहर जाना पड़ा. तू मुझे ये बता कि पगार अपनी दादी की सेवा की लेता है कि मेरी सर्विस की? अरे अब मुंह क्या देख रहा खड़ा खड़ा, चल जा. जी पाजी. ओए कोल्लू. जी पापा. ओए मैंने जग के अंदर बर्फ डाल के लस्सी ठंडी होने के लिए रखी थी, कहाँ गई? पापा एक ग्राहक आया हुआ था, उसकी गाड़ी गर्म हो गई थी, मैंने उसके रेडिएटर में ठंडी लस्सी डाल दी. ओए तूने मेरी लस्सी उसके रेडिएटर में डाल दी? कोई और ठंडी सी थी ही नहीं. तो मेरा सर डाल देता उसमें. सर तो डाल देता लेकिन आपका सर तो बहुत गर्म है, रेडिएटर में आग लग जाती तो. ओए मंगलू. ओए इस उल्लू के पट्टे को कुछ समझा, नहीं तो घिसे हुए टायर की तरह गैरेज के बाहर पड़ा रहेगा. कसम मानू खाना. दादी अब ये बता कि कॉलेज का तेरा पहला दिन कैसा रहा? दादी स्कूल का आखिरी दिन और कॉलेज का पहला दिन कहाँ अच्छा होता है. लेकिन मेरा 75% बहुत अच्छा था. तो बाकी का 25% क्या बुरा था? मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझसे स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछे. दादी एक बात पूछूं, मैं कैसा लगता हूँ? आई मीन मैं अच्छा लगता हूँ ना? अरे बेटे तू तो लाखों में एक है. मजाक नहीं दादी, मान लो आप 60 की नहीं 18 की होती और मैं ऐसा होता, बिल्कुल ऐसा होता, तो तुम्हें कैसा लगता? वैसे आज तू ये खूबसूरती और कॉम्प्लेक्शन की बातें क्यों कर रहा है? कॉलेज में कोई लड़की देखी क्या? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? आजकल के लड़के बड़े स्मार्ट होते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल की लड़कियां उनका फ्यूचर नहीं उनका फीचर देखती हैं. कौन है वो लड़की? लंदन से एक लड़की ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है. काफी लड़के उसके फ्रेंडशिप के चक्कर में, कुछ लोगों ने तो उसे परेशान भी किया, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की, उसको प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचाया. बस मैं समझ गई कि आज का तेरा 75% अच्छा क्या था. तुझे लड़की अच्छी लगी ना? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है. देख मैं तेरी माँ नहीं दादी माँ हूँ, और अगर मैं 18 साल की होती ना तो मैं चाहती कि तू मुझे अप्रोच करे और मुझसे कुछ बात करे. Books. Hi. Hi. I'm so sorry. किस लिए? कल तुमने मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस तक छोड़ा और मैंने तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोला. Oh, it's okay. I'm Priya. I'm Raj. And this is my friend Vicky. Hi. Hi. Okay, मुझे कुछ नोट्स तैयार करने हैं. मुझे भी कुछ नोट्स तैयार करने हैं. Okay, bye. 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 Hey guys, come here. वो देख, Miss Oxford. Say it, 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 say it
क्या तकदीर पाई है बैटरी ने, नहीं पेंसिल के उस रबड़ ने। काश मैं वो रबड़ होता। तुम सब इधर ही रुको और देखो रॉकी का कमाल। हाय, एक्चुअली मैं कल से आपको सॉरी कहने के लिए ढूंढ रहा था। वो प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता बताया था ना, तो गलती से मैंने राइट टर्न की जगह लेफ्ट टर्न कह दिया और आप जेंट्स टॉयलेट पहुंच गई। वैसे भी फ्रेंडशिप में थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही है ना। डोंट टच मी, आई से गेट आउट। आइंदा मुझसे बदतमीजी की ना तो प्रिंसिपल से नहीं सीधा पुलिस कमिश्नर से कंप्लेन करूंगी। गेट लॉस्ट। रॉकी को तो इस तरह किसी प्रोफेसर ने भी नहीं डांटा होगा। लेकिन रॉकी से ज्यादा तो तू डरा हुआ लग रहा था। नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा। अच्छा सुन, अगले हफ्ते अपना कॉलेज कैंप जा रहा है और मैंने तेरा भी नाम लिखवाया है और तू भी आ रहा है। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। क्यों? गैराज में बहुत काम है और पाजी चिल्लाएंगे। अरे यार, तेरे पाजी तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाने दे यार, उनके चिल्लाने से ही तो मेरा घर चलता है। ठीक है यार, सी यू। बाय बाय। कॉलेज में गिर गया था। ओ माय गॉड, ये तो तुम मुझे कल भी दे सकते थे। दे सकता था, लेकिन इस पर्स में तुम्हारी कुछ चाबियां, पैसे, क्रेडिट कार्ड्स और तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी था, तो मुझे लगा कहीं तुम पूरी रात परेशान न रहो। मेरी परेशानी के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया? तुम्हें कुछ हो जाता तो? आई एम फाइन। ओके, तुम पहली बार मेरे घर आए हो, चाय पीकर जाना पड़ेगा। ओके ओके, कम। क्या हुआ? फिर कभी। इसका मतलब फिर से पर्स गिराना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, फिर कभी जरूर आऊंगा। Bye. Thanks a lot. Bye. Raj, you're okay? Yeah. लगी तो नहीं? नहीं नहीं. Sure. आऊँगा मैं चाय पीने. Okay. ज़रूर. Okay. Bye. 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 बेटा ये मैंने बचपन में लगाया था। इस कार को मैं टार्जन मानता था और इसका नाम भी टार्जन रखा था। टार्जन तो आदमी था। था तो आदमी, लेकिन इस मशीन जैसी ताकत थी उसमें। यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहिए तुझे? अंकल, आपको ये कार कहाँ से मिली? ये कार नहीं, बेकार है, भंगार है। कोई भी कहीं चलाता है और किलो के भाव में बेच जाता है। मैं इसे खरीदूंगा,
कितने रुपए लेंगे? कम से कम 5,000 का बंगार होगा। 5,000? मैं आपको 5,000 दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं इसे एक हफ्ते के बाद आकर ले जाऊंगा। ये सब नहीं चलेगा, रोकड़ा है तो बोलो, वैसे भी आधा सड़ चुका है। अंकल, जितनी जल्दी आपको इसे बेचने की है, उसे कहीं ज्यादा जल्दी मुझे इसे खरीदने की है। ये मेरे पापा की कार है, बस एक हफ्ता अंकल, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रखूंगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू हफ्ते के बाद बोलना। दादी। हाँ दादी। दादी 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 दादी। अरे क्या बात है, आज तो तू 75% से ज्यादा खुश लग रहा है। दादी आज मेरी खुशी का कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसा क्या मिल गया? अरे बैठो तो सही। बात क्या है दादी, तुम पापा से बहुत प्यार करती थी ना। तू एक माँ से पूछ रहा है कि उसे अपनी बेटी से कितना प्यार है? फिर तो पापा की हर चीज से तुम्हें प्यार होगा। ये तो तू अपने आप से पूछ, उसका रंग अंश निशानी जो भी मेरे पास है वो सब तू ही तो है। आज तू ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? दादी मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए? बहुत ज्यादा है ना। तूने कभी कुछ ज्यादा मांगा ही कहा? मेरे पास तुझे देने के लिए हमेशा कमी रही। किस लिए चाहिए? दादी मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाओगी। बेटे तुझे खुश देखकर ही तो मैं खुश हो लेती हूँ। देख अगले हफ्ते मेरी बीसी खुलेगी, वो लेकर मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है? थैंक यू दादी। प्रिया राज, हाय। तुम यहाँ काम करते हो? बस पार्ट टाइम जॉब। वेरी गुड, ट्रेनिंग के साथ पॉकेट मनी भी? हाँ। तुम्हारी नाक थोड़ी डिफरेंट है ना, पापा पे गई है। नहीं काली हो गई है। हाँ? एक मिनट मैं साफ करती हूँ। तुम्हारे पापा की नाक बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ कैसे आना हुआ? पता नहीं, चलते चलते गाड़ी रुक जाती है। अभी ठीक कर देता हूँ। लगता है गाड़ी काफी टाइम से सर्विस नहीं कराई। पता नहीं, अब मैंने पहले कभी नहीं देखा। राज, तुम अपनी पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब एक साथ कैसे कर लेते हो? मैनेज कर लेता हूँ। इसे पढ़ाई का नुकसान नहीं होता? होता है, पर क्या करूँ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बचपन में माँ के न रहने के बाद एक पापा ही थे, उनकी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। I'm so sorry. तुम अकेले रहते हो अब? नहीं, दादी है ना मेरे साथ। लो, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? पैसे? कैसे पैसे? एक स्क्रू ही तो टाइट किया है और तुमने थैंक यू बोला, वो भी कुछ ज्यादा है। नहीं राज, तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। देखो हमारे यहाँ स्क्रू टाइट करने के पैसे नहीं लिए जाते। तुम्हारी गाड़ी में कोई बड़ा काम होना तो टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ फ्री में कर दूंगा। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी फिर कभी लिया ना, मैं सर्विस भी करा दूंगा। सो नाइस ऑफ यू राज, थैंक यू सो मच। थैंक्स। वेलकम। बाय 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 बाय। ओए तू यूं यूं करता रहेगा तो मैं सड़क पर खड़ा होकर यूं यूं करता रहूंगा। क्या कहा तूने उस लड़की को, कोई बड़ा काम होगा तो फ्री में कर देगा? हाँ? अरे थैंक यू लेकर काम करता है तू, कर। पगार देते वक्त मैं लफाफे में पैसे डालने की बजाय थैंक यू डालकर दे दूंगा तुझे। चुप कर, उस लड़की से पैसे क्यों नहीं लिए तूने? खराती गैराज है क्या ये? 15 मैकेनिकों को स्क्रू टाइट करने की पगार देता हूं मैं। इस गैराज के अंदर जब गाड़ी एंटर होती है ना तो 500 रुपए चार्ज होते हैं, पता है तुझे? पाजी वो पहचान वाली थी। अरे पहचान वाली थी तो घर पे जाके उसके स्क्रू टाइट करना, यहाँ अगर स्क्रू टाइट करेगा तो मैं तेरे स्क्रू ढीले कर दूंगा। पाजी आइंदा ऐसा नहीं होगा। देख तेरे 500 रुपए कट, और अगर आइंदा ऐसा करेगा तो पूरी पगार कट और नौकरी से निकाल दूंगा। जा जाके काम कर। जी पाजी। जी पाजी। ओए कोलू, ओए की कर रहे तू? पापा मैं इंजन विच ऑयल पा रहा है। ओए गधे के बच्चे, ये ऑयल की बोतल नहीं, रूह अफजा शरबत की बोतल है। लेकिन पापा। चुप कर,
ओए मंगलू। जी पाजी। ओए इस उल्लू के पट्टे को किसी डिक्की में बंद कर, इसने बोनट खोलने शुरू कर दिए हैं। मैं सीखूंगा कैसे पापा। अरे क्या सीख रहा है तू, मेरी सारी खाने पीने की चीजें गाड़ियों में डाल रहा है। कार और करतार में कोई फर्क नहीं दिखता तुझे, चल दबाओ यहाँ से, चल। देख राज, तेरा लाइब्रेरी में उसे छुप छुप कर देखना, जान पर खेल कर उसका पर्स लौटाने जाना और उसकी गाड़ी फ्री में रिपेयर करना। अरे तेरा एक्सप्रेशन साफ कहता है कि तू प्रिया को पसंद करता है, और अगर पसंद करता है तो कह दे उससे। देख तू कल रोज डे है, तू जाकर उसे एक रोज ऑफर कर, और अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया ना तो तुझे तेरा जवाब मिल गया, और नहीं किया तो वो रोज सीधे तेरे मुंह पे मारेगी, लेकिन उससे तेरी नाक नहीं टूटेगी, समझा? अब चल। आइडिया बुरा नहीं है। इस साल रोज देने लायक सिर्फ मिस ऑक्सफोर्ड ही है। लेकिन क्या वो रोज लेगी? हाँ, मैंने एक प्लान बनाया, वो हम चारों का रोज लेगी। वेटर, यस, कम यहाँ। समझ गया, नाउ गो। जी। लो, बैटरी भी आ गया। ये देखो क्या काला पीला कोट पहना है यार, पूरा टैक्सी लग रहा है। ये पीला सूट तेरे पे बहुत जच रहा है। थैंक्स। अच्छा सुन, वो देख, कॉन्फिडेंटली जा और उसे रोज दे दे। ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक्स। ओके प्रिया। हाय। हाय, हैप्पी रोज डे। ये मेरे लिए है? हाँ तुम्हारे लिए। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोज डे विश करने की? लेकिन प्रिया। जस्ट शट अप, मैंने तुम्हें एक सीधा साधा लड़का समझकर तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप क्या कर ली, तुमने उसका ये मतलब निकाला? मुझे नहीं पता था ये चश्मे के नीचे ये बिल्ली जैसी आंखें मुझे इस नजरिए से देखती है। राज? हाय। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं। ओह लाला, यू आर लुकिंग स्मार्ट राज। थैंक्स। अच्छा चलो डांस करते हैं। नहीं नहीं, डांस मुझे नहीं आता। डांस यहाँ कौन सा कंपटीशन चल रहा है, चलो ना। नहीं, फिर भी मुझे नहीं आता डांस। कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक्स या या। अरे ये क्या, जिस ग्लास में नशे की गोली है वो तो बैटरी ने उठा लिया। सारा प्लान चौपट हो गया। नहीं नहीं, अच्छा हुआ अब बैटरी को नशा चढ़ेगा और वो बदतमीजी करेगा, और फिर देखना मिस ऑक्सफोर्ड उसे थप्पड़ मार के साइड में कर देगी। क्या हुआ राज? क्या हुआ? अभी बता रहा हूँ क्या हुआ। चलो। ये येलो सूट पहनकर मैं यहाँ जॉगिंग करने नहीं आया हूँ। तुमने पूछा था ना मैं क्या छुपा रहा हूँ? ये छुपा रहा था मैं। हैप्पी रोज डे प्रिया, दिस इज टोकन ऑफ माय लव। अरे तुमसे उसी दिन मैं प्यार करने लगा था जब मैंने तुम्हें कॉलेज में पहली बार देखा। क्लासरूम, बाथरूम, बेडरूम, हर जगह मुझे तुम ही नजर आने लगी। अरे तुम्हारे प्यार में मैं इतना निकम्मा हो गया कि मेरी दादी में भी तुम नजर आने लगी, मगर फिर भी मुझ में आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तब मेरे दोस्त विकी को मेरी बीमारी समझ में आई। विकी बोला, राज लव इज साइलेंट डे, वायलेंट होते। अब मैं भी वायलेंट हो गया हूँ। एक काले कवर, गिव मी योर रेड रोज। प्रिया, ये टोकन था एंड दिस इज फुल एंड फाइनल। अगर तुम्हें प्यार है तो एक्सेप्ट करो, वरना मेरे मुंह पे मार दो, इससे मेरी नाक नहीं टूटेगी। ये भी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था। नहीं, अब तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तो सबसे कहूंगा दैट आई लव यू। Hey you, hey you guys, listen to me, baby.
से ऊ ला 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 ऊ ला ला रे ऊ ला ला रे ऊ ला ला रे ऊ ला ला रे तुझे तो ऐसा लगा चाहत का जादू दिल में जगा खुशबू हवाओं में घुल गई धड़कन को आशिकी मिल गई तबीयत मचल 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 गई ऊ ला ला रे ऊ ला ला रे ऊ ला ला रे ऊ ला ला रे तेरा जब से मिला तब से शुरू है ये सिलसिला खुशबू हवाओं में घुल गई धड़कन को आशिकी मिल गई तबीयत मचल 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 गई ऊ ला ला रे ऊ ला ला रे ऊ ला ला रे मॉर्निंग अरे राज तुम यहाँ आई एम सॉरी सॉरी फॉर व्हाट दादी ने कहा कल रात नींद में मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रहा था जरूर बोला होगा मेरे सामने भी तुमने बहुत कुछ बोला था क्या बोला था गाड़ी में बैठो मैं बताती हूँ मालूम है कल तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी नहीं नहीं मैंने तो आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया लगता है मेरे साथ किसी ने शरारत की थी मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसने भी ये शरारत की ना बहुत अच्छा किया ऊपर से इतने भोले लगते हो अंदर से बिल्कुल चालू हो तुम चालू चालू नहीं महा चालू
जानते हो तुमने क्या किया? तुमने तो डांस किया, साथ में सबको नचाया। तुम डांस बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन तुमने एक गड़बड़ की। क्या? पता है अपना रोज तो मुझे दिया, आजू बाजू वालों का रोज छीन कर भी मुझे दे दिया, और सबके सामने कहा आई लव यू, वो भी नशे में। बस तुम्हारी यही हरकत मुझे बहुत बुरी लगी। प्यार का इजहार किया भी तो नशे में। प्यार का इजहार पूरे होश व हवास में करते हैं, ऐसे। I love you. समझे? I love you too. Right? Priya, मैं अपनी कल की गलती के लिए तुमसे आज माफी मांगने आया था। मुझे तो लगा था कि आज हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, मगर आज मुझे तुम मिल गई। मुझे तो तुम कल ही मिल गए थे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं जो चीज लेने जा रहा हूँ मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज है। प्यारी चीज? एक मिनट रोको। यहाँ क्या है? वो प्यारी चीज यही है। आने दे, पीछे आने दे। चल लगा जल्दी, जल्दी कर, पूरा दिन लगा क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं इसे? गलाकर लोहा बनाने के लिए, खरीदा है मैंने इसे। अरे मैंने खरीदने की बात की थी इसे? वो सब मुझे नहीं मालूम, पटेल से जाके बात करो। पटेल साहब? अंकल आपने कार भेज दी? तूने तो हफ्ते में आकर ले जाऊंगा कहा था, आज 10 दिन हो गए। लेकिन अंकल पैसों का इंतजाम कल रात को ही हुआ, मैं सुबह आया था पर आप नहीं थे। लेकिन अब तो बिक गई। अंकल प्लीज आप ये कार इनसे वापस ले लीजिए और मुझे दे दीजिए। वापस ले लो? कैसे वापस ले लूं? उसने पैसे दिए हैं और हमारा पुराना ग्राहक है, गिनती में मिस्टेक होती है। तुम जाओ पैसा गिनने दो। पटेल साहब, अंकल प्लीज, आपके लिए तो ये लोहा है लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज है, आप ये सब पैसे ले लीजिए और ये कार। राज, राज क्या बात है स्क्रैप में जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? ये स्क्रैप नहीं है प्रिया, ये मेरे पापा की कार है, पापा की निशानी है, बहुत प्यार करते थे वो इसे। अंकल, अंकल आपको तो गाड़ी गला कर लोहा बनाना है, आपको तो भंगार की कोई भी गाड़ी चलेगी, इसे मुझे दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर फड़ता हूँ। अंकल आप इसे ले लीजिए और ये गाड़ी मुझे दे दीजिए प्लीज अंकल प्लीज। ठीक है, ये कार तुम ले लो, हमारा काम लोहा पिघलाना है, किसी की भावनाओं को नहीं। पटेल साहब ये कार इसे दे दीजिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। राज? दादी, दादी मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। ये देखो पापा की कार, हमारी टार्जन। आओ ना माँ, यहाँ खड़ी हो जाओ और तू बैठ जा यहाँ, एक फोटो मेरे टार्जन के साथ। दादी, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तू मेरे बेटे को ही ले आया। हाँ दादी, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मेरे पापा मेरे सामने हैं। अब मैं इसे बनाऊंगा दादी, अपनी तरह डिजाइन करूंगा। मैं जानता हूं दादी इसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगा, ओवर टाइम करूंगा, अपनी मैकेनिकल स्किल्स और मेहनत से इसे ऐसी कार बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। दादी ये प्रिया है। प्रिया नमस्ते। खुश रहो, ये वही लंदन वाली है ना जिसके बारे में तू बता रहा था? जी, आप लोग अंदर चलिए मैं आता हूँ। आओ बेटी।
कौन है वहां? मैं राज हूं पाजी। ओए इतनी रात गए अभी तक यहीं है, घर नहीं गया? जी मैं ओवर टाइम कर रहा हूं। अरे दिन में पार्ट टाइम करेगा, रात को ओवर टाइम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? मुझे पैसों की जरूरत है। क्या बात है, घर में कोई तकलीफ है? नहीं पाजी। पुत्र पैसों की जरूरत तो लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सभी को है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तो पढ़ाई तक छोड़ने को तैयार है? मैंने आपको मेरे पापा के बारे में बताया था ना, उनकी एक कार थी जो मुझे 12 साल बाद मिली है। अब मैं उस कार को फिर से बनाना चाहता हूं। पुत्र आजकल के बच्चे तो अपने मां बाप को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं, और तू अपने बाप की एक निशानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है। राज तू वो कार बना, मैं तेरे साथ हूं। और देख पुत्र तू मेरे पास पार्ट टाइम जॉब तो कर ही रहा है, कर। जो ओवर टाइम तू यहां करना चाहता है वो टाइम तू अपनी कार बनाने में लगा। हर रोज जितने घंटे तू अपनी कार बनाएगा उतने घंटों की पगार मैं तुझे दूंगा। थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच पाजी। हम सब मैकेनिक हैं, बिगड़ी को बनाना हमारा पेशा ही नहीं धर्म भी है। तुम कैंपर नहीं गई? तुम यहाँ हो तो मैं वहाँ अकेली क्या करती? मैंने सोचा मैं गाड़ी तो बना नहीं सकती लेकिन तुम्हारा साथ तो दे सकती हूँ ना। सबसे जुदा तेरा मेरा साथ है, हर मोड़ पे हर जगह यादों की बारात है। हाय हाय चिप्स। हाँ।
तेरे है जज्बात ये जाने तू जानू मैं। नाजुक है रिश्ता बड़ा ये माने तू मानू मैं। इस कार का नाम टार्जन है। टार्जन? हाँ, मेरे पापा ने इस कार का नाम टार्जन रखा था। वाओ, तो चलो इस टार्जन में एक ड्राइव के लिए चलते हैं। नहीं प्रिया, अभी ये कार स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? इसका फ्यूल पंप जंग लगने से जैम हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं खुला। मैंने पापा जी से बात की है, वो कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। क्या हुआ पाजी? पुत्र, मैंने बहुत कोशिश की है, कुछ पुरानी गाड़ियां रखने वालों से बात की, भंगार वालों से पूछा, कबाड़ियों से पूछा, किसी के पास नहीं मिला। उस कंपनी ने उस मॉडल की गाड़ी बनानी भी बंद कर दी है। इसलिए पुत्र, उस फ्यूल पंप का मिलना तो बहुत मुश्किल है। अब तो वाहेगुरु पर ही भरोसा है। बेटा तू सोया नहीं? नींद नहीं आ रही दादी। इतनी मेहनत, इतनी कोशिश करने के बाद भी फ्यूल पंप का कुछ नहीं हुआ। लगता है अब मेरी टार्जन कभी नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? अगर भगवान की मर्जी ना होती तो तुझे ये कार कैसे मिलती? उसी ने तुझे हिम्मत दी जिसकी वजह से तूने इतनी खूबसूरत कार बनाई। अब उसी पर भरोसा रख, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सुजा बेटे, सुजा।
बम बन गया दादी, मेरी टर्न स्टार्ट हो गई दादी। देखा पुत्र, वाहेगुरु की कृपा से फ्यूल पंप ठीक हो गया ना, ऐसी गाड़ी तो सारे वर्ल्ड में नहीं होगी। थैंक यू बाजी। जीते रहो पुत्र। ये कार नहीं, हाहाकार है। ऐसी कार तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। अरे ये तो बैटरी है यार। साथ में मिस ऑक्सफोर्ड भी है। ये मेरे पापा की फेवरेट रेस्टोरेंट है। क्यों दादी, पापा आपको यहीं लाया करते थे ना? हाँ बेटा। अरे ये कैसे हो गया यार, साइकिल से सीधा कार? मुझे तो इसमें मिस ऑक्सफोर्ड का सपोर्ट लगता है। साला बैटरी की हालत और हुलिया दोनों बदल गए। साले ने हम लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया। देख बहुत स्टाइल मार रहा है। आज इसका हुलिया ही बिगाड़ देते हैं। चलो हाय बैटरी। कंग्रेचुलेशंस फॉर न्यू कार एंड नाइस कन्या। कमाल है बैटरी, तू तो कन्हैया लाल से प्राण हो गया। ये सब मिस ऑक्सफोर्ड की बैकिंग है या बाप का कोई इंश्योरेंस? हाय मिस ऑक्सफोर्ड, तुमने तो उस लल्लू को फिरंगी बना दिया। Just shut up. Tumbo, Harry, this is too much. Hey, ये too much, three much हमारे सामने मत कर, वरना तेरे चेहरे का क्लोजअप भी बिगाड़ दूंगा, समझा? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो उसे। चुप कर बुढ़िया। दादी, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। आज मैं इन लोगों को बताता हूँ दो तो कितने होते। रुक जाइए वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। माजी आप ले जाइए उसे। चल चल बेटे चल। रुक जाइए, हम जा रहे हैं, बस आओ, जा रहे हैं हम। छोड़ो छोड़ दो, छोड़ो। रुक साला, भागता का बैटरी, डर के भाग रहा है। कहाँ तो जाना छुपा हुआ है, हिम्मत है तो बाहर निकल, निकल बाहर। भाग गया साला, भाग गया। फिकर मत करो, कल सुबह कॉलेज के गेट के बाहर इसे और इसकी गाड़ी दोनों को तोड़ डालेंगे। बैटरी ने आज हमारी बहुत बेइज्जती की है। अगर गार्ड्स रोक नहीं लेते तो उसकी ऐसी हालत करता कि जिंदगी भर हमारे सामने नहीं आता वो। और ए, कौन है वहाँ? लाइट बंद कर, बंद कर लाइट। अबे लाइट बंद करना। अरे ये तो बैटरी है। लगता है इसकी किस्मत खराब है जो शेरों के पंजे में खुद आ गया। चलो इसके हाथ पांव चटका देते हैं। वैसे भी कॉलेज में बैसाखी और व्हीलचेयर से आने वाला एक भी लंगड़ा लूला स्टूडेंट नहीं है। कम ऑन, चलो। चुप गया डरपोक। वो रहा,
पिलर के पीछे। चलो पकड़ो साले को। भाग ना भाई। अरे बैटरी रुक भाग साले। निकल भाग। अरे कैसे आप पकड़ उसे? भागता कैसे साले रुक? बैटरी कहाँ तोड़ साले का? अरे कैसे तोडूं? हेलमेट निकाल कर मार कांच पे। बहुत हीरो बनता है। पकड़ उसे। तेरी टांगे तोड़ देंगे। भाग निकल बैटरी। भागता कर रुक। आत्र को छोड़ूंगा नहीं मैं। बैटरी पकड़ साले को। ए विक्की पकड़ उसको। पीछे से टक्कर मार। विक्की पकड़ उसको। टक्कर ओके हम बैटरी के पीछे या बैटरी हमारे पीछे? अबे तो आपके पीछे आ गया। अरे मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो रहा है। क्या है? अरे क्या चला? अरे वो हमारे पीछे कहाँ चला? अरे घुमा घुमा घुमा। अबे वो कुत्ते के बिल्ले अंदर बैठ के बहुत होशियारी मार रहे हैं। अरे बैटरी ने तो उसे गटर में डाल दिया। अरे ये तो मर जाएगा। कोई इसे बचाओ यार। तू जा। तू जा। तू जा। तू जा यार। तू अभी तू जाना। तू जा। जाना। जा। अरे बंटी तो जिंदा है ना? हाँ जिंदा हूँ। जल्दी खोल, बहुत बदबू आ रही है। सांस रोक के रख, मैं भी खोलता हूँ। सोचा नहीं था कि बैटरी इतना खतरनाक आदमी निकलेगा। हैरी अभी तो ऊपर क्या कर रहा है? चल जल्दी नीचे आ। बैटरी कहाँ है? ये क्या है? अबे सर पे हाथ क्या मार रहा? गंजे कुछ बोल नहीं सकता, गूंगा हो गया है। गंजा कितना ऊपर क्या बैठा है? गंजा नीचे उतर, गूंगा हो गया क्या? पागल हो गया और तू रो के रहा है? अबे बैटरी कहाँ है? अबे ये क्या कर रहा है यार? अबे हाथ चिपक गया मेरा। कौन? लगता कोई आ रहा है। चुप चुप। अबे भाग भाग। अबे चिपक गए। खींच खींच। अबे खींच खींच ना। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? नमस्ते अंकल, हम चिपक गए, छुड़ा दो। तुमने मेरा फेविकॉल करा दिया। हमने नहीं गिरा, खुद गिर गया। हम चिपक गए, हमें अलग कर दो। अब मैं तुम्हें ऐसे चिपकाऊंगा जैसे लकड़े पे प्लाई चिपकाते हैं। बस राज, बस आगे बताना वरना गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। नहीं राज, हमारी सारी दादागिरी निकल गई। और कहां कहां से निकली है अब तुम्हें क्या बताएं? राज हमें मालूम नहीं था कि अगर हम तुम्हारी दादी को कुछ बोलेंगे तो तुम इतने वायलेंट हो जाओगे। हमें छोड़ दो राज। प्लीज राज, आगे ऐसा नहीं होगा राज। प्लीज सॉरी राज। बच गए। बढ़िया फिल्म थी, सच्ची मजा आ गया। हाँ, हे लुक, राज, राज क्या कार लेके आया है? अनबिलीवेबल राज, मैंने ऐसी कार तो बुक्स में भी नहीं देखी यार। यही सोच के तो मैंने ये कार बनाई है। तू तो सेट हो गया यार। कॉलेज के बाद ना तू एक वर्कशॉप खोलना और उसमें ऐसी अच्छी अच्छी कार्स डिजाइन करना, देखना सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के शटर डाउन हो जाएंगे। हाय विक्की। हाय।
How's your camping? Oh, fantastic. Okay. Raj, अगर रॉकी और उनके दोस्त मिले तो तुम उनके मुंह मत लगना. क्यों? कुछ पंगा हुआ क्या? हाँ. राज भैया! अरे भाई! राज 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 भाई, भाई मैं माफ कर दीजिए. अरे ये क्या हो गया तुम लोगों को? राज भाई ने तुम्हें नहीं बताया. मैं क्या बताता? मुझे नहीं मालूम. नहीं मालूम? हमें भी नहीं मालूम. हम सब भूल गए. आपने हमें जान से नहीं मारा. ये उपकार कम थोड़ी होता है. राज ये सब तुमने. छोड़िए प्रिया बहन, हम आपको जिस नजरों से देखा करते थे उन नजरों से अब कभी नहीं देखेंगे बहन. अगर देखने लायक आगे रही तो हम तुम्हें एक आंख से माँ और दूसरी से बहन की तरह देखेंगे. एक आंख और होती तो हम तुम्हें दादी माँ की तरह भी देखते, मगर नहीं है. देख लिया, यही होता है जब शरीफ शराफत छोड़ता है. शरीफ शराफत छोड़कर इतना खतरनाक हो जाता है, मैंने पहली बार देखा. जान जान यहाँ तक आ गई थी. तुम सिर्फ एक बार बोल दो, जाओ कुत्तों, मैंने तुम्हें माफ किया. राज माफ कर दे यार, इनको माफ कर दे. चलो चलो क्लास में चलो, दिखना नहीं मेरे को बाहर तुम लोग. थैंक यू भाई. थैंक यू राज, भगवान तुम्हारा भला करे भाई. बहन अपना ख्याल रखना. हाँ चलो चलो, लेट्स गो टू द क्लास. कम ऑन राज, चलो चलो चलो. जी नारंग साहब, आप आंख बंद करके उनके झोपड़ों पर बुलडोजर चलवा दीजिए. मुझे हफ्ते भर में वो जगह खाली चाहिए. मैं कल ही पालघर आ रहा हूँ, बाकी बातें वहीं आके करते हैं. कहाँ बुलडोजर चलवा रहे हो? पालघर की एक झोपड़पट्टी में. वहाँ नाम से टू व्हीलर की एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ, लेडी बर्ड बाइसिकल एंड मोपेड कंपनी. पसंद आया? वाओ. ये फोर फॉक्स कंपनी तो बंद हो जाएगी और मेरे पार्टनर्स होजरी और अंडरगारमेंट का धंधा करने की सोच रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे नाम पर अपना एक अलग एम्पायर खड़ा करके 2-4 साल में अपने पार्टनर्स को लात मार के अलग हो जाऊं. चलो. पाजी राज, संघानिया साहब के घर चला जा, उनकी गाड़ी खराब हो गई है. पाजी दीपक सेठ की गाड़ी का विंडस्क्रीन चेंज करना है, डिलीवरी आज ही देनी है. ओ मैं मंगलू से करवा लूंगा, तू टोइंग वैन साथ में ले जाना, अगर शाम तक गाड़ी ठीक ना हो तो टो करके इधर ले आना. ठीक है. ओए कोल्लू. जी पापा. मंगलू को बोल के दीपक सेठ की गाड़ी का विंडस्क्रीन चेंज कर दे. कौन सी डलवा दूं, फिएट वाली की एम्बेसडर वाली? ओए पागल के बच्चे, दूसरी गाड़ी का विंडस्क्रीन उसमें कैसे लगेगा? लगता है पापा, ग्राहक पे बचाने के लिए ऐसा करवाते हैं. जैसे आज वो डिसूजा गाड़ी की फैन बेल्ट टूट गई, तो मैंने कहा कि 180 रुपए लगेंगे, तो बोले नहीं कोई सस्ता लगा दो. तो पता है मैंने आपकी पैंट की बेल्ट लगा दी. क्या? हाँ, शाम को पहनोगे ना तो देखना आपकी पैंट सरकती रहेगी. ओए मंगलू. जी पाजी. ओए मंगलू, इसे ले जाके घर के अंदर बंद कर, नहीं तो मेरा गैरेज बंद करवा देगा ये. लेके जाए. चल. चोपड़ा साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके. पाजी वो मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स टूट गई हैं, जरा चेंज करा दें, मुझे अभी पालघर जाके रात को वापस आना है. वैसे चोपड़ा साहब, कांच का टूटना बहुत शुभ माना जाता है, आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा. ये सब कहावत है सिंह साहब, अगर ऐसा होता तो मैं शीशे के घर में रहता और हाथ में पत्थर लेकर घूमने वाले हर पागल से पंगा लेता. ये तो अपना अपना मानने का तरीका है जी,
जो शुभ मानता है उसके लिए शुभ होता है और जो अशुभ मानता है उसके लिए अशुभ होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आइए चोपड़ा साहब, जब तक गाड़ी का काम होता है हम ऑफिस में बैठते हैं। चलिए। कर रहा है Thank you.
बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंडा है। फाटक वहां टूटा है और कार जलकर यहां पड़ी है। ड्राइवर की मौत भी जलकर हुई है। मिस्टर मेहता। यस सर। पूरे स्पॉट की फॉरेंसिक जांच एक्यूरेट और डिटेल्ड होनी चाहिए। जी सर। यह दुर्घटना इस फाटक की वजह से हुई। कार का ब्रेक फेल था, वो फाटक तोड़कर ट्रेन से टकराई और ब्लास्ट होकर मैदान में जा गिरी। तुम गेटमैन हो, तुम्हें पता भी नहीं चला? अगर यहाँ फ्लाई ओवर होता तो कार ट्रेन से नहीं टकराती ना। क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर क्यों नहीं बनवाते तुम लोग? हवलदार साहब, पैसे कहाँ हैं? रेलवे घाटे में चल रही है। मैं भी ट्रेन में सफर करता हूँ। दो दो महीने पहले टिकटों की बुकिंग हो जाती है। 40 सीट के डिब्बे में 240 पैसेंजर भेड़ बकरी की तरह भरे जाते हैं और कह रहे हो घाटे में चल रही है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हो? सरकार को बताइए। कहाँ है सरकार, बुलाओ। जी सर, मैंने पता कर लिया, इस केस में कोई दम नहीं। आप बेवजह धूप में जल रहे हैं। एक्सीडेंट बनाकर फाइल को बंद कीजिए, बर्फ से माथा ठंडा कीजिए, पुलिस स्टेशन चलकर आराम कीजिए। शट अप सर। सर, जहाँ जहाँ इस गाड़ी के टायर के निशान हैं, वहाँ एक दूसरी कार के टायर के निशान भी पाए गए हैं। इसका मतलब मेरा शक ठीक निकला। ये मर्डर केस है जिसे बड़ी खूबसूरती से एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। एनीवे, अब ये केस इंस्पेक्टर खुराना के चार्ज में है। अब नहीं चलेगा कातिल का फंडा, अब चलेगा खुराना का डंडा। सुनो। जी सर। मुझे इस जली हुई कार का चेसे नंबर और मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अर्जेंट चाहिए। उसी से पता चलेगा कि मरने वाला कौन था। मिसेस चोपड़ा, आप ये कह रही हैं कि एक्सटॉर्शन की भी कोई थ्रेट नहीं थी, लेकिन बिना दुश्मनी बिना कारण के तो कत्ल नहीं होता ना। इंस्पेक्टर साहब, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पति तो बहुत ही नेक और देवता जैसे इंसान थे। कमाल का कलयुग है भाई, देवताओं के भी खून होने लगे। इन्हें भी सिक्योरिटी दो। अलका, भाभी को अंदर ले जाओ। ये लंगड़ू कौन है? मिस्टर महेश सक्सेना, आपको क्या लगता है आपके पार्टनर के मर्डर की क्या वजह हो सकती है? क्या कहे इंस्पेक्टर, जब से हमारे भाई जैसे पार्टनर की मौत हुई है, हम पानी भी पीते हैं तो आंसू बनकर आंखों से निकल आते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेटेस्ट न्यूज़? वो क्या है ना डैडी? इंस्पेक्टर साहब, इसके लिए तो हर बात लेटेस्ट न्यूज़ होती है। एनीवे, इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिले तो मुझे बता दीजिएगा। जी, लेटेस्ट न्यूज़। नया फंडा है।
हम लोग बात कर रहे थे तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्या लेटेस्ट न्यूज है? एक दिन मैंने आप दोनों को सुना था एक दूसरे से बात करते हुए। क्या? कि चोपड़ा को तो कुत्ते की मौत मार देना चाहिए। अरे ये सब इंस्पेक्टर के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? ताकि कातिल जल्दी पकड़ा जाए। अरे अरे एंथनी, क्या बेटा पैदा किया है? अरे समझा इसको, हम सबको फंसाएगा ये। जा जा गाड़ी निकाल जो जो जा जा। सब गड़बड़ हो गया। क्या? आज नए साल की पार्टी थी, इस चोपड़ा ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। चार दिन बाद में मरता था तो इसके बाप का कुछ जाता था, कम से कम शाम को एंजॉय तो करते थे। अरे क्यों नहीं एंजॉय करेंगे, सगा भाई थोड़ा ही था, साला फ्रॉड पार्टनर था। कंडोलेंस हो गया, 45 मिनट उसके फोटो के सामने बैठकर छाती पीट ली, अब जिंदगी भर हाय हाय करते फिरेंगे क्या? करेक्ट। फोर फॉक्स का एक पार्टनर फॉरेन चला गया। Correct. और दूसरा ऊपर। बचे अब हम दोनों 50-50 के पार्टनर। इसी खुशी में आज नया साल मनाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर। किया है कि आप दोनों का दिल खुश हो जाएगा। आइए आइए सर अंदर देखते हैं क्या हंगामा हो रहा है। Daddy!
महेश चकसिना जी है, प्लीज उन्हें फोन दीजिए। हेलो महेश, देखो यहाँ पर कोई कार से मेन गेट तोड़ कर आ गया है और मुझ पर भी अटैक कर रहा है। महेश कौन है वो? मुझे कुछ बता रही है, अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। महेश तुम गाड़ी का नंबर नोट करो और फौरन पुलिस को टेलीफोन करो। हाँ मैं भी करती हूँ, तुम यहाँ पे फौरन आ जाओ, 15 मिनट में आ जाओ महेश प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, घर की सारी चीजें टूट चुके हैं, पूरे घर में अंधेरा हो चुका है। महेश मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी आके देखता हूँ कौन है वो। कम फास्ट प्लीज। अबे और है इसकी औलाद, तेरे बाप का रास्ता है क्या? गाड़ी हटा। ए, ए, गाड़ी स्टार्ट कर। लगता है दारू पीकर सो गया है। ए, निकल बाहर। ए, खोल। निकल निकल। ए, ए? आ, 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 पिछवाड़े से भी मारती है। तुम लोगों को इस लाश के बारे में कैसे पता चला? साहब हम हर रोज यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं, आज इस लाश को पानी में तैरते देखा तो हमने फौरन पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। तो ये फंडा है। सीताराम जी सर, इनका बयान लिख लो। सर पानी में पड़े रहने से लाश इतनी फूल गई है कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, और सर मरने वाले के कोट में से हमें ये पर्स मिला है। अरे ये तो महेश सक्सेना है। सर आप इसे जानते हैं? हाँ मैं कैलाश चोपड़ा के चौथे में मिला था इससे। इसकी वाइफ ने कंप्लेन लिखवाई थी कि 31 तारीख की रात को ये घर नहीं लौटा है। इसकी वाइफ ने एक और कंप्लेन लिखवाई थी कि उसी रात को कोई कार वाला बाहर शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस कार का फंडा इस मर्डर से जुड़ा हो? शेट्टी। यस सर। मिसेस सक्सेना ने कार का नंबर लिखवाया था, पता लगाओ वो कार किसकी है।
प्रिया विक्की के एंगेजमेंट में उसे क्या गिफ्ट दे? अरे हम दोनों जा रहे हैं, ये काफी नहीं है? नॉट बैड, नॉट बैड। मिस्टर इधर आओ। मैं? हाँ तू इधर आ। साहब यहाँ 15-20-25 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, तुम बेटा नजर चुरा के निकले चले जा रहे हो। मेरे लिए क्यों? ये तुम्हारी गाड़ी है? जी। नाइस कार, अच्छा फंडा है। चल। कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों सर? महेश सक्सेना। महेश सक्सेना जिसका कल रात 12 से 1 के बीच में मर्डर हुआ है। मुझे शक है कि मर्डर तूने किया है। मर्डर? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी असलियत क्या है पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। प्यार से चल, नहीं तो घसीट कर ले जाऊंगा। सब सब गाज। चलो। इंस्पेक्टर साहब, यही वो गाड़ी है, कल रात को यही गाड़ी आई थी। ये कार तो इसी की है। हाँ? क्या उस वक्त ये कार में मौजूद था? ये सब मुझे नहीं मालूम, मेरे घर की खिड़की से ये नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर कार इसकी है तो कातिल भी यही होगा। ये क्या कर? खूनी, हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या बिगाड़ा मेरे पति ने तेरा जो तूने उसे मार डाला? बता तेरी क्या दुश्मनी मेरे पति से? प्लीज प्लीज रिलैक्स। कांस्टेबल ले जाइए इन्हें, बिठाइए उधर। आप वहाँ बैठिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्लीज जाइए। चलिए मैडम। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैं किसी महेश सक्सेना को नहीं जानता और ना ही मुझे पता उसका बंगला कहाँ है। आवाज नीचे, धीरे बात कर। अगर तुझे बंगले का पता नहीं मालूम तो तेरी कार वहां कैसे पहुंची? मिसेस सक्सेना ने फोन करके तेरी कार का नंबर कैसे दिया? मुझे कैसे मालूम? सीताराम सर, ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो समझाना पड़ेगा मेरा फंडा। सर, महेश सक्सेना के मर्डर के स्पॉट पर टायर के जो निशान मिले थे वो इसी गाड़ी के थे। एक सरप्राइज न्यूज और है सर, कैलाश चोपड़ा का खून जहां हुआ था वहां पर भी सेम टायर के निशान थे। ये लीजिए सर। ओ, तो ये फंडा है। साहब मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सीरियल किलर है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन ABC से शुरू करनी होगी। अच्छा ये बता, तूने कैलाश चोपड़ा का खून क्यों किया? कैलाश चोपड़ा? कौन कैलाश चोपड़ा? अच्छा, कौन कैलाश चोपड़ा? अरे वही कैलाश चोपड़ा जिसका कत्ल 29 तारीख की दोपहर को 3 और 4 बजे के बीच में पालघर की रेलवे क्रॉसिंग पर तूने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और 29 तारीख को तो सुबह से शाम तक मैं अपने काम पर था। कहाँ काम करता है तू? करतार सिंह के गैराज पर। सीताराम, इससे करतार सिंह का नंबर लेकर करतार सिंह को अब भी बुलाओ यहाँ पर। जी साहब। जी साहब। अरे क्या हुआ भाभी जी? इनके कातिल को पकड़ लिया है। राजनाम है उसका। अच्छा? उसने ही चोपड़ा भाई सब का भी खून किया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है डैड। यस। भाभी जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। अच्छा यही है वो कातिल जिसने मेरे दोनों पार्टनर्स का खून किया है? कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा तुझे। आप जल्लाद हैं क्या? बकता है, फांसी पर चढ़ाना जल्लाद का काम है। अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या कमाल है डैड, आपने कभी बताया नहीं कि आप जल्लाद भी है। शट अप। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर डिकोस्टा, ये पुलिस स्टेशन है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चलिए बाहर जाकर बैठिए। चल जो जो। सरदार जी तो पूरा पटियाला लेकर आ गए। ये सब क्या है पुत्र? पाजी पता नहीं। देखिए सरदार जी, आप इस लड़के को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ जी, अपना ही बच्चा है, मेरे गैराज में काम करता है पार्ट टाइम। इस लड़के ने 2 खून किए हैं। क्या? पहला मर्डर 29 तारीख को और दूसरा कल शाम को। मैंने आपको ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया है कि 29 तारीख को सुबह से लेकर रात तक ये लड़का आपके साथ में था? क्या सोच रहे हैं सरदार जी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार ने आप में कौन सी काबिलियत देखकर आपको ये वर्दी दी है। सरदार जी, आप जरा इस बच्चे को गौर से देखिए, क्या आपको लगता है कि इसने कोई मर्डर किया होगा? सरदार जी, आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि 29 तारीख को ये लड़का कहाँ था? मेरे काम पर। मैंने इसे अपने ग्राहक सिंघानिया साहब की गाड़ी ठीक करने के लिए टोइंग वैन दे के भेजा हुआ था। उस वक्त इसकी कार कहाँ थी?
अरे भाई, जब ये टोइंग वैन लेकर गया था तो इसकी अपनी गाड़ी तो गैराज में ही होगी ना। और सर, जो आपने कल शाम के मर्डर की बात कही है, तो कल शाम को 7 बजे से लेकर 1 बजे तक तो हम सब राज के साथ ही थे, क्लब 24/7 में। और सर, हम क्लब के मैनेजर को भी अपने साथ लाए, अगर आप चाहें तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यस सर, कल शाम से रात तक ये मेरे ही क्लब में था। अब आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों खून राज नहीं किए हैं? साहब, मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ मत दीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने पास जितने सबूत नहीं है उससे ज्यादा तो इसके पास गवाह है। शट अप। इंस्पेक्टर साहब, आपका हुक्म हो तो हम इसे ले जाएं। कानून का भी अपना फंडा है, या तो फाइल बंद होती है या मुजरिम बंद होता है, लेकिन ये केस अभी दोनों तरफ से ओपन है। शेट्टी, स्टेटमेंट लिखो इन सब का, और फिलहाल इसको जाने दो। लाइन में बाहर जाना। मिस्टर सक्सेना की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको जरूरत पड़ी ना तो आधी रात को भी फोन करिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या हुआ, खूनी छूट गया? तू टेंशन मत ले यार। अरे किस बात का टेंशन, मैंने कुछ किया ही नहीं है, जबरदस्ती दो दो मर्डर का इल्जाम लगा। अच्छा, लेकिन तुम दोनों को याद तो है ना, कल तुम दोनों पुणे आ रहे हो मेरे एंगेजमेंट के लिए। हाँ आऊंगा। ओके, बाय बाय बाय। यहां से तो छूट गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या? आपका मुंह काला हो गया। अरे चुप। हेलो भाई, क्या बात है, इतने दिनों से तुम्हारा कोई फोन नहीं आया, सब ठीक तो है? आई एम फाइन पापा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ, राज कैसा है? He's okay, papa. मैं अभी उसी के साथ एक फ्रेंड की एंगेजमेंट में पुणे जा रही हूँ। अच्छा? राज आ गया पापा। Enjoy yourself, happy journey, and dad loves you. Thank you, papa. Bye. Hi. ये hi bye में time waste मत करो, जल्दी बैठो। दरवाजा तो खोलो। लॉक तो खुला है। मेरे हाथों में मेहंदी है। Nice. राज, मेरी आंखों में बाल आ रहे हैं, प्लीज स्कार्फ बांधो ना। स्कार्फ कहाँ है? आउच! राज! क्या हुआ? मुझे बहुत इचिंग हो रही है, देखो ना प्लीज। कहाँ पर? वहाँ। यहाँ? नहीं थोड़ा नीचे। यहाँ? नहीं थोड़ा और नीचे राज, और नीचे। यहाँ? नहीं थोड़ा राइट प्लीज, राइट। यहाँ नहीं हो रही है, वहाँ नहीं हो रही है, ऊपर नहीं हो रही है, नीचे नहीं हो रही, तो खुजली हो कर रही है। थोड़ा नीचे। हाँ यहाँ। तुम्हारा हाथ तो इचगार्ड ऑइंटमेंट जैसा है। क्या कर रहे हो तुम? लगता है अब मुझे पूरा का पूरा इचगार्ड बन जाना पड़ेगा।
दिल था तेरे मिलने से पहले, कितने तन्हा कितने हम अकेले, तुमने मिलके वो दर्द जगाया, चैन में भी चैन न आया। यारा मैं भी दीवानी हो गई, तुझ में खो गई, तेरे बिन नहीं अपना गुजारा, लो कह दिया हमने ओ यारा, दीवाना कहो यार, कहो दीवानापन। ओ सजन, ओ सजन, ले गया तू मेरा मन। ओ सजन, ओ सजन, ले गया तू मेरा मन। तेरी दीवानगी में ऐसा है आलम, हो चाहे जो भी तुम्हें पाना है जानम, धड़कनों में अपनी छुपा के ले जाएंगे तुम्हें तुमसे चुरा के। हमें तेरी मोहब्बत ने मारा, लो कह दिया हमने ओ यारा, दीवाना कहो यार, कहो दीवानापन। ओ सजन, ओ सजन, ले गया तू मेरा मन। ओ सजन, ओ सजन, ले गया तू मेरा मन। ओ सजन, चाहो तुमने टाइम पे ब्रेक मार दिया वरना एक्सीडेंट हो जाता। ओए माइकल शूमाकर! ओए भाई वाह, क्या सोनी गड्डी है। थैंक यू बाबा जी। की थैंक यू, देखते नहीं इधर गड्डियों की लंबी कतार है। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन लग गई। और की, हम 3.5 घंटे से रेंगते रेंगते यहाँ तक पहुंचे और तू फार्मूला रेसिंग करके फटा से अंदर घुस गया। ए, क्या हो रहा है? हवलदार जी, ये कार वाले बीच में घुस गया है। कौन और किसके बीच में घुस गया? अरे पीछे से ऐसे आया और ऐसे घुस गया। ऐसे आया और ऐसे घुस गया? हाँ। आपका दिमाग खराब हो गया है? ये कार कोई खेकड़ा है जो साइड से चलती है, इतनी सी छोटी जगह में घुस जाएगी? हाँ? ये बेचारा कब से लाइन में खड़ा होगा? हाँ। ये ट्रक वाला, चल 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 आगे निकल, चल चलो आगे हो, चलो चलो। आए, चला गया। बहुत अच्छी कार है, इंपोर्टेड है? नहीं सर, मैंने बनाई है। अच्छा, तूने बनाई है, चल बाहर निकल। हीरोइन ऐसी गाड़ी में ले जाया करते हैं। साहब, कोई हीरोइन किडनैप होगी क्या? मैं हीरोइन की नहीं, हीरोइन की बात कर रहा हूँ, ट्रक्स की। चल टिक्की खोल। नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं है। सभी ऐसे बोलते हैं, मुझे तो ये गाड़ी लफड़े वाली दिखती है। चल टिक्की खोल, चल। अरे कांच नहीं, डिक्की खोल। वही तो कर रहा हूँ सर। हा? सर मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखता हूँ। अरे निकलो! सर सर सर, खींचो, कम ऑन भैया, खींचो, अरे शिट, अरे मुझे नहीं, खींचो, खींचो सर, सर, अरे मुझे खींचो मत, अरे डिक्की उठा। चल तेरी गाड़ी को लेके जा। निकाल, चल। अरे क्या हो रहा है? अरे डॉक्टर गुला, इस मनुष्य गाड़ी को जल्दी निकाल। निकाल। आपको चोट तो नहीं लगी ना सर? अरे खामोश, पहले बता मेरी टांग किसने खींची? मैंने नहीं खींची। मैंने भी नहीं खींची। फिर किसने खींची?
लो आ गया लेट लतीफ। चलो। हे विक्की। हाय यार। कितनी देर? लुकिंग ब्यूटीफुल। सॉरी यार। हाय। हाय राज। हाय राज। चलो चलो। हाउ आर यू? कम। पता है हाईवे पे बहुत चेकिंग हो रही थी। लंबी लाइन लग गई। वो सब छोड़ अभी जल्दी से तैयार हो जा। हमेशा की तरह गाड़ी ने गर्दन को जंग लगे स्टीयरिंग की तरह जाम कर दिया। अरे ये फिर कहां से आ गया? पुलिस वाले को टक्कर मारता है? किधर गया? ये दिखता ही नहीं। तूने मुझसे पंगा लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल बाहर निकल, बाहर निकल, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। साला हुल देता है, ए, पुलिस को हुल देता है, पीछे भागता है। ए, रुक जा मैं कहता हूं, रुक जा। अरे रुकना, साला हड्डी फसले एक कर दूंगा। अबे रुक, अरे आदमी है क्या जानवर? अरे रुकना, रुक। रामखोर रुकता क्यों नहीं है? फिर भागता है, पुलिस को दौड़ाता है, हाँ? अरे समझता क्या आपने आपको? साला 2x2 का होकर 6x6 को दौड़ाता है। एक बार हाथ में लग, साला कुर्सी में से खटमल निकाल के मारते है ना, वैसे मारूंगा। हवा में एक बार फायर किया तो लाइन पर आ गया है। चल निकल बाहर। अरे बाप रे, यहां तो कोई नहीं है। लगता है जीप के साथ गिर गई, अब क्या करूं? गैरेज में से घुसता हूं।
अरे बाप रे, ये यहां पे मेरा, मैं भूल गया, मैं इंस्पेक्टर संजय शर्मा बोल रहा हूँ। सर, मुंबई की एक कार मेरी जान लेना चाहती है। उस कार का नंबर है MH01M37 और सबसे हैरानी की बात है उस कार में तुम्हारी खुशखबरी बहुत जल्दी सुननी है। ओह प्लीज। हमारी? और नहीं तो क्या? श्योर, व्हाई नॉट? थैंक्स फॉर कमिंग यार, थैंक्स फॉर कमिंग। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक्स सो मच। बाय प्रिया, बाय। बाय, टेक केयर, बाय बाय। ओके, बाय, सी यू। ओह हाय, थैंक्स फॉर कमिंग। ये क्या है इंस्पेक्टर, किसी का भी खून कर देता है, किसी को भी मार देता है वो। किसी को नहीं मिस्टर डिकोस्टा, वो सिर्फ उन लोगों को मार रहा है जिनका फंडा आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर चोपड़ा दोनों आपके पार्टनर थे और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि इंस्पेक्टर संजय शर्मा का भी आपके साथ पुराना कनेक्शन था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसका मतलब चौथा नंबर डैड का है। शट अप, क्या बकवास करता है? मिस्टर डिकोस्टा, ये ठीक कह रहा है। जिस तरह से आपके साथियों के मर्डर हो रहे हैं उससे लगता है कि हिट लिस्ट में आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लें। हाँ, ले लीजिए डिकोस्टा साहब, वरना बेमौत मारे जाएंगे। अरे वो कार से कुचलकर पहले हड्डियां तोड़ता है और बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती भी नहीं। अरे ऐसी मौत मारता है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे डैड को बचा लीजिए प्लीज, इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। डैड, आप मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं अनाथ हो जाऊंगा। डैड प्लीज, आई विल बी एन ऑर्फन चाइल्ड। शट अप, अभी मैं जिंदा हूं ना। अब मुझे प्रोटेक्शन देने के बजाय उस कातिल को अरेस्ट क्यों नहीं करते? यही तो फंडा है, मेरे पास राज के कातिल होने का कोई सबूत नहीं है। मैं सिवाय प्रोटेक्शन देने के और कुछ नहीं कर सकता। जब भी आपको पुलिस की जरूरत हो मुझे फोन कीजिए। घर में रहना, खुले में घूमना नहीं। जो जो तू मुझे हमेशा डराता है, तू डर जाता है तो मैं भी डर जाता हूँ। नहीं डैड, आप डर जाते इसलिए मैं डर जाता हूँ। ठीक है, आज के बाद नहीं डरेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे। राइट डैड। डैड, वो आ गया। कौन? आपका किलर। किलर? हाँ। अरे डैडी, वेट फॉर मी। अरे डैड। अरे बंदर, नीचे का बंदर। अरे मुझे करने दे। अरे तू मुझे छोड़ के आ गया क्या डैड? हाँ, इतना बड़ा घर बनाया आपने, एक छुपने के लिए जगह नहीं बनाई। अभी वो किलर आपकी किली के ऊपर आ रहा है तो मैं कहाँ छुपूं? बेवकूफ, वो मारने मुझे आ रहा है और छुप तू रहा है। जा, अगर तू मेरा बेटा है तो जाकर खत्म कर दे दुश्मन को। जा जा नालायक जा। ओ गॉड, अब मैं कहाँ छुपू? यहाँ छुपू, प्लीज हेल्प मी। तेरे पाप आ गया।
लगता है डैड की बोलती बंद हो गई है। मुझे अंदर जाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। Oh God. मैकेनिक छोड़ने आया था। अबे गधे की औलाद, इसके लिए खिड़की तोड़कर आने की क्या जरूरत थी? मैंने दरवाजा ठोका लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला। मैं समझा आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसके लिए मैं खिड़की से आ गया। अरे तेरा खिड़की से आना मेरे लिए बहुत बड़ा हार्ट अटैक था। हार्ट मुंह में आ गया था, मुंह बड़ा होता तो बाहर आ जाता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। चुप। अब मैं कल ही कुछ दिनों के लिए नागपुर चला जाता हूँ ताकि उस किलर को पता ही ना चले, वरना वो किलर तो मुझे बाद में मारेगा, ये नालायक मुझे पहले ही मार देगा। गधा कहीं का, रोज रोज नालायक गधा सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ। आप देखना, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। अरे नहीं नहीं, एंगेजमेंट राज की। तुम्हारा फोन है। हेलो, कौन? तुम्हारा वेल विशर। वेल विशर? हाँ, मैंने फोन तुम्हें टिप देने के लिए किया है। कैसी टिप? जिन तीन लोगों का मर्डर तुमने किया है उनका चौथा पार्टनर एंथनी डिकोस्टा आज एक बिजनेस मीटिंग के लिए नागपुर जा रहा है। मौका बहुत अच्छा है, तुम उसे मुंबई नागपुर के बीच ठोक दो। रॉन्ग नंबर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, राइट मैसेज लेके भी साला रॉन्ग नंबर बोलता है। बॉस अब क्या करने का? मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, उसे टिप मिल गई। थोड़ी देर में वो मेरे डैड को किल करने निकलेगा, हम लोग उसका पीछा करेंगे। इससे पहले वो डैड को ठोके, हम लोग उसे ठोक देंगे। बच गया, बच गया। साले मेरे उस नालायक बेटे से भी बच गया और उस किलर से भी बच गया। हेलो, तुम मुझे अपना निकम्मा नालायक बेटा समझते हो ना? अरे समझता क्या हूँ, तू तो पैदाइशी नालायक है। लेकिन आज के बाद तुम्हारी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राज का चौथा टारगेट तुम हो और तुम्हारा मर्डर होने से मैं रोकूंगा। अरे किलर को पता चलेगा तब ना। डैड, मैंने किलर राज को बता दिया कि तुम आज नागपुर जा रहे हो। क्या? डोंट बी स्केयर्ड डैड, वो तुम पर अटैक करेगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अबे गधे, तू अपने बाप को मरवाएगा? मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मेरे बाप हो। अच्छा किया, तू सचमुच मेरा बेटा है ही नहीं। है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अरे लेटेस्ट न्यूज़ तो मैं तुझे दूंगा, अगर मैं जिंदा बचाना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ गॉड, ये कैसा बेटा दिया है तूने मुझे, अब मैं क्या करूं? वापस मुंबई जाता हूँ तो सामने से मारेगा, नागपुर जाऊंगा तो पीछे से मारेगा। अब मैं कहाँ जाऊं, किधर छुपू, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आदिवासियों के झोपड़े, गुड आइडिया। आज रात मऊआ पी के यही सो जाता हूँ, जो होगा सो होगा, देख लेंगे। अरे झोपड़ा हिल रहा है, अरे चलने लगा। अरे बाप रे, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? चलो भागो यहां से। अरे ये झोपड़ा मेरे पीछे आ रहा है। बाय गॉड, ये झोपड़ा मेरे गाड़ी के ऊपर कैसे आ गया?
मेरे गाड़ी पे आता है, मेरे ऊपर आता है। कातिल की गाड़ी। अरे गाड़ी में कोई नहीं है, ये कैसे हो सकता है? गाड़ी कौन चला रहा है फिर? अरे बाप रे, कैसे रोकूं? पता नहीं किसका फोन था। राज आ गया है, चलो जल्दी छुप जाओ। प्रिया? हाँ? मेरी कार नहीं है। क्या, कहाँ पार्क की थी तुमने? वही व्हाइट कार के आगे। ओ गॉड प्रिया, अगर इस बार कुछ लफड़ा हुआ तो पूरा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करनी होगी, वरना इंस्पेक्टर खुराना इस बार मुझे नहीं छोड़ेगा। तो चलो मेरी गाड़ी से चलते हैं। कम ऑन, कम ऑन गाइस। अच्छा हुआ गाड़ी ने मेरा पीछा छोड़ दिया। मैंने तो इसे नागपुर की तरफ डैड के पीछे जाने के लिए कहा था, ये पुलिस स्टेशन क्यों आया है? कम ऑन गाइस, फॉलो मी। टेलीफोन। अरे बाप रे, फिर से आ गई। बच्चे की वजह से गाड़ी रुक गई। आजा, मारना है ना मुझे? आजा, आजा मेरे अंग पर। अरे मारना। तो ये फंडा है। जी सर। तुम्हें क्या लगता है कि एंथनी डिकोस्टा को खत्म करने के लिए तुम्हें किसने फोन किया होगा? मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर खुराना है। मैं एंथनी डिकोस्टा बोल रहा हूँ। यस मिस्टर डिकोस्टा, बोलिए। इंस्पेक्टर मुझे बचा लीजिए, वो राज की कार मेरी जान लेना चाहती है। अरे राज तो यहाँ मेरे सामने बैठा, ये कैसे हो सकता है? गौर से देखिए अंदर कौन है। वो मेरी मौत है, मौत। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर वो गाड़ी आ रही है, मेरे पास आ रही है। हेलो मिस्टर डिकोस्टा, आप इंस्पेक्टर मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ सर? एंथनी डिकोस्टा को किसी ने मार दिया। समझ में नहीं आ रहा है वो कौन है जो बार बार गाड़ी चुरा कर मर्डर कर रहा है और इसका इल्जाम मुझे पर डालना चाहता है। पता नहीं टार्जन कहाँ होगी। डर लग रहा है कहीं फिर कोई हादसा ना हो जाए। फिकर मत करो राज, जब पुलिस ने शहर के सारे एग्जिट सील कर दिए हैं तो टार्जन जरूर मिल जाएगी, और हो सकता है कि वो आदमी भी पकड़ा जाए। होप सो। अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। क्या मैं इंस्पेक्टर खुराना से बात कर सकता हूं? तो जब तुम यहां पहुंचे तो यह कार पहले से यहां मौजूद थी। जी। यह कार कंप्यूटर से चलती है क्या? नहीं। तो क्या रोबो चलाता है इसे? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो फिर फंडा क्या है, यह कार यहां पहुंची कैसे? माता जी, आप तो यहाँ पहले से थी, आप बता सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? जब तुम कार के चोरी होने की कंप्लेन मुझे लिखवा रहे थे उसी समय इस कार से किसी ने एंथनी डिकोस्टा को टेलीफोन बूथ समेत उड़ा दिया।
और फिर ये एक वफादार कुत्ते की तरह अपने मालिक के घर पहुंच गई। इसका मतलब क्या है सर? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो आपके साथ था। मैं बताऊं रियल फंडा क्या है? तुम ये कार किसी और को देकर उससे मर्डर करवाते हो। ये आप कैसे कह सकते हैं जबकि आपके पास मेरे पोते के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है? और अगर कोई बोल दे कि इस कार ने वो एक्सीडेंट किया है तो आप मान लेंगे? चलिए मैं बोलती हूँ कि वो चारों मर्डर आपके जीप ने किए हैं। ये क्या फिजूल की बात कर रही हैं आप? फिजूल की बात कर रही हूँ मैं? आपका कहना है कि इस कार ने टेलीफोन बूथ उड़ाया है तो देखिए कहीं एक स्क्रैच एक खरोच नजर आता है आपको? जबकि एक ट्रक भी टेलीफोन बूथ उड़ाएगा तो उस ट्रक के भी अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। इतने बड़े ऑफिसर हैं आप, आपका दिमाग इतना भी नहीं चलता? कब से फंडा फंडा किए जा रहे? एक तो मेरे पोते ने खुद आपको फोन करके बुलाया, उल्टा आप उसी पर इल्जाम लगा रहे। अब तो मैं इस कार को लेकर कमिश्नर के पास जाऊंगी और उन्हीं से पूछूंगी कि आपको ये कार टेलीफोन बूथ से टकराई हुई लगती है। आप कमिश्नर के पास जाएंगी? जरूरत पड़े तो होम मिनिस्टर तक पहुंचूंगी मैं। सर अब हमें लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। इसके पहले माताजी होम मिनिस्टर को अपने होम पे बुला लें और हमारा होम खतरे में आ जाए, हमें अपने होम के लिए निकल लेना चाहिए। सर शट अप। सर शट अप। सर माताजी, आप कमिश्नर होम मिनिस्टर ऊपर तक की पहुंच की बात उन ऑफिसर्स के सामने कीजिए जिनकी जिंदगी का फंडा ऊपर की कमाई से चलता हो, मुझ जैसे ऑफिसर के सामने नहीं। और ये कार, इस कार का संबंध हर मर्डर के साथ में है। मैं इस कार को अभी कस्टडी में लेता हूं। सीताराम रसाला, बांध इसको जीप के पीछे। सर प्लीज, सर प्लीज आप मेरी कार मत ले जाइए, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं आपसे वादा करता हूं सर, अब इस कार से कोई हादसा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। सोच ले, इस बार चार नहीं 5 मर्डर का चार्ज लगाऊंगा तेरे ऊपर, तब इस कार को कस्टडी में नहीं लूंगा, माचिस की डिब्बी की तरह क्रश करके किसी कोने में फेंक दूंगा। समझ गया? ये क्या कर रहा है बेटे? दादी, टार्जन को बनाकर मैं पापा को पास ले आया था। अगर ये दूर हो जाएगी तो लगेगा पापा भी दूर चले गए। Baby, my doll, how are you? So this fine, is Papa. My little girl, yes. What a pleasant surprise, Papa. आप तो कल आने वाले थे। क्यों? तुम्हें surprises अच्छे नहीं लगते क्या? Of course अच्छे लगते हैं Papa. ये बताओ राज कैसा है? He's the very good Papa. Why this is fantastic. अब तुम एक काम करो, आज जब तुम कॉलेज जाओगी तो राज से कहना कि शाम को उसके घर हम उससे मिलने आएंगे। Thank you Papa, thank you so much. और तब तक हम अपने पुराने दोस्तों को मिल लेते हैं, क्यों? Okay. Come. Hi Jojo, how are you? Hi. अरे कैसे हो भाई? और ये क्या चारों तरफ सिक्योरिटी? अरे कपूर अंकल, आप जिंदा हैं? अरे भाई, I am absolutely fit and fine. ये बताओ मेरा दोस्त एंथनी कहाँ है? आपको पता नहीं? डैड तो चोपड़ा अंकल, सक्सेना अंकल और इंस्पेक्टर शर्मा के साथ चले गए। अरे भाई कहाँ गए?
किसी हिल स्टेशन पर पिकनिक मनाने गए हैं तो कहो मैं वहां जाकर के उन्हें मिल लेता हूँ। भाई प्रिया की एंगेजमेंट है और मैं उन्हें पर्सनली इन्वाइट करना चाह रहा हूँ। अगर आपको पर्सनली इन्विटेशन देना है ना तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। क्या? आइए मैं बताता हूँ। ओह माय गॉड, ये इन तीनों का मर्डर हुआ है। क्या? डैड को तो कार से कुचलकर मार दिया गया है और पुलिस ने बताया कि चोपड़ा अंकल और सक्सेना अंकल का भी मर्डर उसी कार से हुआ है। पता चला कि उन्हें मरने वाला कौन है? उसे तो पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। और जिस कार से उन लोगों का मर्डर हुआ है वो कार कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर देवेन चौधरी के लड़की की है। देवेन चौधरी? हाँ, पुलिस को तो शक है कि वही लड़का मर्डर करता है या करवाता है। अंकल, अगर उस लड़के को पता चल गया कि आप यहाँ आ गए और आप इन लोगों के पार्टनर है, फिर कभी आपके पासपोर्ट पे लंदन का वीजा नहीं लगेगा। आपकी खड़े खड़े डेथ हो जाएगी और आपका पासपोर्ट पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा। अंकल, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं प्रिया के एंगेजमेंट के बाद सब देख लूंगा। तुम फिक्र मत करो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, मैं फिक्र क्यों करूं? मेरे डैड तो मर चुके। पापा, यही राज है। अरे नहीं 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 बेटे, भाई दामाद तो बेटे जैसा होता है और बेटा सीने से लगता है। आ जाओ। दादी, ये प्रिया के पापा है और ये मेरी दादी। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे घर आए। प्रिया अक्सर फोन पर आप लोगों की ही बातें करती रहती है। कहती है पापा जब भी मैं दादी से मिलती हूँ तो मैं आपको भूल जाती हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि मेरी ये प्यारी बच्ची आपके घर की बहू बनने जा रही है। ये तो आपका बड़प्पन है और सच पूछिए तो हमारा सौभाग्य। शुक्रिया। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी। अंकल, ये मेरे पापा की तस्वीर है। पापा? जी, मेरे पापा के कातिल। समझ में आया मैंने तेरी बेटी से प्यार का नाटक क्यों खेला? तुझे लंदन से यहां बुलाने के लिए मैंने तेरे बाकी साथियों को तो मौत की घाट उतार दिया है। अब तेरी बारी है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटे, लगता है तबीयत बहुत खराब हो रही है, हमें चलना चाहिए। पापा, चले, चले। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? आप पहली बार हमारे घर आए, चाय तो पी लीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम चलते हैं। लेकिन अंकल। बेटे बाद में बात करेंगे, आओ भैया। लेकिन पापा क्या? चलो मेरे साथ, अभी तो आए हैं। ये अचानक क्या हो गया इनको? पता नहीं, कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? पापा आपकी तबीयत तो ठीक है, फिर अचानक हम वहां से चले क्यों आए? इसलिए कि मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाना चाहता। ये अचानक क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नो आर्ग्यूमेंट्स, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हम दोनों लंदन वापस जाएंगे और तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूंगा। दिस इज माई फाइनल डिसीजन, समझी? तो आप मेरा भी डिसीजन सुन लीजिए। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। आपको लंदन जाना है तो आप अकेले जाइए। प्रिया, हेलो राज बिटुआ, बहुत गजब हुई गवा। वो ससुरा राकेश कपूरवा है ना, वो तोरी प्रिया को लेकर लंदन जात है। वो वहाँ उका दूसरे से ब्याह करे चाहत है। क्या? प्रिया को बचाई लो, बिटिया रानी रोई रोई के पगलाई गई है। अरे हमा और जोर चलत तो वो ससुरा कपूरवा का तो पिछवाड़ा हम कुलाड़ी से काट देते। लेकिन का करे बेटा, बुढ़ापा में हमसे उठत नहीं है। कुलाड़ी, आप कौन बोल रहे हैं? हम कपूरवा के माली बोलत है। अरे बिटुआ, तुम आवत हो ना? हाँ मैं आ रहा हूँ। लेटेस्ट न्यूज़, अंकल वो आ रहा है। अरे बदतमीज, तू मेरे ही मुंह पे मुझको गाली दे रहा है।
अंकल अगर मैं आपको गाली नहीं देता तो उसको कैसे यकीन होता कि मैं उसके फेवर में हूँ? आपको पता नहीं शेर को जाल में फंसाने के लिए सुअर को काट के उसके सामने फेंकना पड़ता है। Shut up! कहाँ जा रहा बेटा? प्रिया के घर से फोन था, उसके पापा उसको हमेशा के लिए लंदन लेके जा रहे हैं। वो उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? मैं और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं उसके बिना रह नहीं सकता दादी, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। रुक बेटे, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, वो बच्चों का दिल इस तरह कैसे तोड़ सकते हैं, मैं बात करूंगी उनसे। प्रिया से मिलने जा रहा है, अब तो किसी से नहीं मिल पाएगा क्योंकि तुझे यहां धोखे से मैंने बुलाया है। तुझे मैं यहीं मार कर फेंक दूंगा। आई चैलेंज यू, बाहर निकल। दादी ये तो टार्जन है, लेकिन ये यहां कैसे आ गई? थी आपकी, राज को उसकी कार के साथ पहाड़ की ऊंचाई से गिराकर आपने मार दिया, लोग यही समझेंगे कि एक्सीडेंट है, मर्डर नहीं। नहीं प्रिया, रुको प्रिया। दादी मेरी टार्जन, कैसे हुआ ये, किसने किया ये सब? दादी राज, प्रिया राज, थैंक गॉड। जब मैंने सुना कि पापा ने तुम्हें टार्जन के साथ पहाड़ी से गिरा दिया, मैं तो शॉक रह गई। मतलब ये सब तुम्हारे पापा ने किया? राज! हाँ, मैंने किया है, और अब देख मैं क्या करता हूँ। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? पहले मेरे साथियों को मारा, अब मेरी जान लेना चाहता है? नहीं अंकल, मैंने किसी को नहीं मारा। उठ, मैं तुझे उसी तरह मारूंगा जिस तरह तेरे बाप को डुबो कर मारा था। Thank you.
इम्पॉसिबल। देविन, मुझ पर रहम करो प्लीज। तूने मुझ पर रहम किया था? तुझे एहसास हुआ था कि मेरे बाद मेरी मां और मेरे बेटे का क्या होगा? 12 साल मेरी आत्मा तुझे और तेरे साथियों को जिंदा देखकर तड़पती रही। शायद यह मेरी मां का आशीर्वाद था जो मेरे बेटे ने मेरी कार को तुम लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। मैं चाहता तो तुझे वहीं खत्म कर सकता था जहां तू मेरे बेटे को डुबो रहा था, लेकिन मुझे अपने बेटे को बेकसूर साबित करना था, इसलिए तुझे यहां तक लेकर आया। मैं कबूल करता हूं सबके सामने कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने और मेरे साथियों ने तुम्हारे कार की डिजाइन चोरी कर ली थी और तुमको धोखे से मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज प्लीज। मिस्टर कपूर, इसे कहते हैं कुदरत का फंडा। इंसान गुनाह कर उस पर पर्दा डाल देता है, मगर कुदरत सारे पर्दे उठा देती है। माँ, मुझे तो यकीन हो गया था बेटी कि तेरे साथ जरूर कोई अपशगुन हुआ है, वरना इस दुनिया में ऐसी कोई दुनिया नहीं जहां बच्चा जाकर अपनी माँ को भूल जाए। जब किसी बच्चे के सामने उसकी माँ की मौत होती है तो वो माँ तो जी उठती है, लेकिन जब माँ के सामने उसके बच्चे की मौत हो जाए तो वो तो मर जाती है। क्या वो बेटा बदनसीब नहीं है जिसे अपनी माँ और बच्चे को रोते और बेहाल छोड़कर जाना पड़ा? देखो, मरने के बाद भी आंखें खुली हैं। मरते वक्त ये तुम्हें और राज को देखना चाहती थी, लेकिन ना तो ये तुम लोगों को देख पाई और ना ही इन्हें बंद करने के लिए तुम्हारा हाथ इन पलकों पर आया। अगर पुनर्जन्म होता है ना मां, तो फिर से तुम्हारा बेटा बन के पैदा होऊंगा। पापा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? चला तो मैं 12 साल पहले ही गया था। ये तो तुम थे जो दोबारा मुझे अपनी और मां के पास ले आए। मुझे दुख है कि तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया,
लेकिन खुशी है कि तुमने मुझसे भी अच्छी घड़ी बनाई। और हाँ, अगली बार जब तुम प्रिया को ड्राइव पर लेकर जाओ तो स्टेयरिंग पर से हाथ मत हटाना। चलता हूं। No tears.